साहब, आप पे गद्दारी और मुल्क की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, इस पर क्या कहेंगे? मुझसे न कभी गद्दारी की है न करेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमें अजीज़ है। कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाएं। मुझे इतना यकीन है, इतना यकीन है कि मैंने मुझसे गद्दारी नहीं की। मौत मरहक है और जहां मैं कैद हूं उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं एतमाद से कह रहा हूं, मैं इस मुल्क का वफादार था और रहूंगा जिस हाल भी हूं। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूँगा। शाह साहब, क्या आप समझते हैं कि सफीरों से आपकी मुलाकात है और चेयरमैनशिप पीटीआई की चेयरमैनशिप के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ अपनाने के बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आएगी? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और हैं, इस पर कोई अभाम नहीं है। मुझे दावत दी गई, मैं गया, मैंने एक नुक्ता नज़र पेश किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मफादात को अवलियत दी है। मैं समझता हूँ मुल्क एक माशी, एक आइनी मुल्क, एक आइनी माशी और सियासी बहरान से दो चार है। इसका वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाबात हैं और मुल्क को डगर पे डालना है। हमें अपनी ज़ाती अना से बेहतर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है और हमें सबको अपनी नज़रियों पर नज़रसानी करनी होगी। अपने मौक़िफ पर, अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुँचे।